धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। हमें अपनी आशीष और बरकत से परिपूर्ण करने के लिए हम सब भाई और बहनें मिलके प्रभु आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें ये सुंदर समय दिखाया, ये अद्भुत समय दिखाया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवित रखा, हमें संभाला, हमें अपनी प्रेम अपनी करुणा अपनी दया में बनाए रखा, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं खुदावन, कि आप हमारे जीवन को अद्भुत और अनुग्रह करके मदद करते हैं, सहायता करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ मेरे प्रभु यीशु राजा, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदावन, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने सदा ही हमें आशीष और बरकत से परिपूर्ण किया है, आपने हम सबको अपनी महिमा में बनाए रखा, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु, हमारी सुधि लेने वाले, हमारे प्रभु हर प्रकार से सहायता और मदद करने वाले हैं प्रभु। हाँ प्रभु, प्रतिदिन हमारे जीवन को आपने संभाला है, हमें बचाया है, हमारे सभी भाइयों बहनों के जीवन के ऊपर आपकी दया आपकी कृपा आपका अनुग्रह हम पर बना रहे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु ईश्वर, हम आपके चरणों के निकट आते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम सब पर अनुग्रह बनाए रखे प्रभु, आपकी आशीष और बरकत हमारे जीवन में सदा बने रहे। हाँ मेरे प्रभु, बहुत याद की आशीष को परिपूर्ण करे प्रभु यीशु मसीह। हम सब ने आपको प्रभु अपना एकमात्र उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आप ही हमारे खुदावन प्रभु, जो आपने हम सबको संभाला है। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपने हर घड़ी हर समय हमारी सहायता और मदद की है। प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप हमारे दुखों को दर्द को समझते हैं और उन्हें दूर करने वाले आप हो प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में अद्भुत रीति से आपने कार्य किया प्रभु, बहुत याद की आशीष परिपूर्ण किया है प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं सब कुछ, कि आप हमारे जीवन को संभाले, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में आपकी अगुवाई हो प्रभु यीशु मसीह। हम आपके सिवाय कोई नहीं प्रभु, जो आप हमारे जीवन को संभाला है प्रभु, कोई नहीं जो हमारे विनती को सुनते, हमारे दुआओं की ओर कान लगाता, हमारे गिड़गिड़ाहटों की ओर ध्यान देता है प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति सदा बनी रहे प्रभु यीशु मसीह, हम आप में और आप हम में सदा बने रहे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु, आज बहुत तेरे ऐसे भाई बहन हैं प्रभु, जिनके जीवन में हर प्रकार से निराशा है, हताशा है, दुख है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, उनके जीवन में बहुत तेरे रुकावटें हैं प्रभु, आप संभालने वाले प्रभु यीशु मसीह, उनके रुकावटों को दूर करें प्रभु, उनके जीवन पर अनुग्रह प्रकट करें प्रभु यीशु मसीह, उनका जीवन आशीषित हो, अनुग्रह से भरा हो प्रभु, आपकी दया दृष्टि कृपा दृष्टि बना रहे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुने, विनती की ओर ध्यान दें प्रभु यीशु मसीह, कि उनके जीवन में जिस प्रकार से क्लेश है, कलह है, दुख है प्रभु यीशु मसीह, आप उनको सवारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे परमेश्वर, आज बहुत सारे ऐसे भाई बहन है प्रभु, जिनके जीवन में संघर्ष है प्रभु, जिनके जीवन में रुकावटें हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु, आप उनकी सुधि लेने वाले हैं प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं हर एक भाई और बहनों के जीवन में प्रभु, जो ऐसे कार्य हैं प्रभु रुके हुए, जिनसे उनका रुकावट प्रभु जीवन में है प्रभु, हर प्रकार के कार्य उनका रुका हुआ है, न तरक्की है, न उन्नति है प्रभु, न उनके जीवन में हर्ष है, न उल्लास है खुदावन यीशु मसीह। आज वो बहुत तेरे चिंता में पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु, उनके जीवन में जिस प्रकार से बाधाएं हैं प्रभु, आप उनकी सुधि ले प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया प्रभु यीशु मसीह। आज ऐसे भाई बहन बहुत हैं प्रभु, जिनके जीवन में लज्जा हो गई है प्रभु, लज्जित होते हैं प्रभु, उनके मन में ये प्रभु ये मन में विचारधारा बनी है प्रभु, कि वो भय से गुजर रहे हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है, शर्मिंदगी के कारण उनके लज्जा है प्रभु यीशु मसीह, जिसके कारण प्रभु वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं प्रभु। आज उनके सारे छुटकारा प्रदान करें प्रभु, आज उनके जीवन में आपकी
सामर्थ हो प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु, उसके शर्मिंदगी की जो बातें हैं प्रभु वो दूर हो जाए, जो मन के में उनके भयभीत करने वाली चीजें हैं, जो प्रभु उनको ऐसा लगता है कि किसी दूसरे से ओछा समझ रहे हैं, नीच समझ रहे हैं प्रभु, आज वो सभीपन, ओछापन और नीचता प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। किसी भी कारण से उनको कोई प्रभु लज्जित ना होना पड़े, किसी प्रकार से उनके जीवन में कोई शर्मिंदगी ना हो प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप उन सबको संभाले प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे खुदावन, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु कि बहुत तेरे ऐसे भाई बहन है प्रभु यीशु मसीह जिनके जीवन में लज्जित होते हैं और बीमारी के कारण, कर्ज के कारण, दुष्ट आत्मा के कारण, बच्चों के कारण, माता पिता के कारण, हस्बैंड वाइफ के कारण, अपने जीवन में जितने भी लज्जा के कारण है, उन सारे लज्जा के कारणों को आप परमेश्वर पिता के सामने रखते हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन हमें दृढ़ करता है, वचन हमें मोटिवेट करता है, हमें उत्साहित करता है प्रभु यीशु मसीह। हर प्रकार से प्रभु आप हमें दृढ़ करते हैं आप परमेश्वर में। तो आम परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधा है, ना तो आपको लज्जित होने देगा, ना तो आपको ठट्ठे में रहने देगा, क्योंकि परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज उन सभी भाई और बहनों की समस्या का निदान करें प्रभु, जिनके जीवन में वो लज्जा से पीड़ित है प्रभु, हर घड़ी हर समय प्रभु उनके आसपास का माहौल ऐसा है खुदावन जो उनको लज्जित करता है, उनके ऊपर हंसता है, जो ठट्ठा उड़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह। किंतु आपने हम सबको संभाला है प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन हमें कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आमीन हालेलुया। प्रभु आपने हमें हर प्रकार के दुश्मनों से प्रभु ऊपर रखा है, आपने हमें सामर्थ और बल दिया है प्रभु कि और जितने हमारे सामने ठट्ठा करने वाले हैं वो हमारे लिए मेज बिछाएंगे। आमीन हालेलुया। प्रभु आज आपकी आशीष, आपकी बरकत, आपकी करुणा प्रभु उन सभी लोगों को ऊपर उठाएगा जो उनके ऊपर ठट्ठा करते हैं, जो उनके ऊपर हंसी मजाक उड़ाते हैं प्रभु, कि जिनके कारण प्रभु अनेक भाई बहन ऐसे हैं खुदावन जो इस ठट्ठे के कारण, जो हंसी मजाक के कारण प्रभु यीशु मसीह उनको नीच दिखाते हैं प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, आज परमेश्वर आप उनको ऊपर उठाने वाले हैं। सताने वाले लोगों के लिए प्रभु हमेशा ही आपने सहायता मदद की है, सताने वालों को प्रभु आज ऊपर उठाए प्रभु, आज उनके तकलीफ को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, जो भी समस्या है प्रभु आप उनके ऊपर अपना बरकत बनाए प्रभु यीशु मसीह। ऐसी समस्याएं, ऐसी प्रॉब्लम जो उनके जीवन में गुजर रही है प्रभु, आप उनके आशीष करें प्रभु यीशु मसीह कि वो आपके जीवन में सदा ही गुणवान के रूप में देखे जाएं। हाँ प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के जो प्रभु उनके सामर्थ्य है प्रभु, आप प्रकट करें प्रभु, उनके बंधनों को तोड़ते हैं। छुटकारा प्रभु आपके नाम में मांगते हैं, अद्भुत छुटकारे, अद्भुत रीति से प्रभु उनको छुड़ाने वाले आप है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 प्रभु। हमने सिर्फ आपको ही अपना खुदावन माना है प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु, आप सभी भाई और बहनों को आशीषित करने वाले, अनुग्रहित करने वाले प्रभु, उनके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाले, बड़े छुटकारा लाने वाले प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवन में बड़ी दया और बड़ी करुणा और बड़ी भलाई लाने वाले परमेश्वर आपके हाथों में है, सौंपते प्रभु कि वो किसी रीति से प्रभु हताश नहीं रहे, निराश नहीं रहे, उदास नहीं रहे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, अपने जीवन में प्रभु आप पर सदा विश्वास किया है, क्योंकि आपने खुदावन हमारे जीवन में बड़े बड़े महान कर्म, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं प्रभु यीशु मसीह। आपने हमारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाए हैं प्रभु यीशु मसीह, और वो विश्वास हमें दृढ़ करता है, वो विश्वास हमें स्थिर करता है कि जिस प्रकार से आपने हमारे पूर्वजों के साथ शपथ खाई थी प्रभु, आप हमारे जीवन में कार्य करने वाले हैं। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, आप हमारे सभी भाई और बहनों के जीवन में प्रभु बढ़िया, बड़ी खुशी लाने वाले, हर्ष उल्लास लाने वाले प्रभु, उनके हताशाओं को दूर करने वाले, निराशाओं को दूर करने वाले, उनके जीवन में हर तकलीफ, हर परेशानियों को दूर करने वाले आप हैं प्रभु यीशु मसीह। आप ही हैं खुदा उनके जीवन से हर प्रकार के परिस्थितियों को बदलने वाले। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप उनको सामर्थ्य भरने वाले, उनके दिक्कतों को, उलझनों को दूर करके प्रभु बड़ी आशीष और बड़ी छुटकारा देने वाले प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं हर एक भाई और बहनों के जो प्रभु परिवार है उनके जीवन में प्रभु आप खुशहाली लाने वाले, उनके जीवन के प्रभु तरक्की और उन्नति करने वाले, परिवार के हर एक सदस्यों में प्रभु जो बेचैन है मन में उनके प्रभु, प्रभु जो भी बंधन बने हैं आज परिवार के हर एक सदस्य के लोगों को बंधनों को से मुक्त करते यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे प्रभु यीशु राजा, हर एक सदस्य के लोगों में प्रभु आपका अनुग्रह हो, आपकी करुणा आपकी दया हो प्रभु यीशु मसीह, आप उनको हर प्रकार से आशीषित करें अनुग्रहित करें, उनका परिवार एक साथ एक संग एक मन होके बना रहे और आपके नाम की स्तुति महिमा और बड़ाई करते रहे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। आज परिवार के ऊपर जो उनका श्राप है जो बंधन है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो छुटकारा होने पाए प्रभु। आज परिवार के हर एक सदस्यों पर प्रभु आपका अद्भुत और आश्चर्य कर्म कार्य करे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परिवार के लोगों में प्रभु उनके हृदय में आपका प्रेम और करुणा बना रहे, जिस प्रकार से आपने प्रेम सभी पर दर्शाया है प्रभु वो प्रेम परिवार के हर एक सदस्य पे बना रहे, परिवार के हर एक जन पे प्रभु आपका प्रेम बना रहे और सब प्रेम पूर्वक एकता के संग बना रहे, एक साथ एक संग एक मन हो के प्रभु आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम की बड़ाई करें, आपके नाम से प्रभु सदा ही बड़ाई करते रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक भाई और बहनों के जीवन में प्रभु जो रुका हुआ कार्य है प्रभु आज पूरा होने पाए। हाँ प्रभु आपने उन सभी भाई और बहनों के जीवन में जो कैरियर के लिए प्रभु कार्य कर रहे हैं उनके कैरियर को प्रभु आप ऊंचाइयों पर ले जाएं प्रभु, उनके कैरियर में जो रुकावटें हैं प्रभु यीशु मसीह आप संभालें, जो जॉब के लिए प्रभु भटक रहे हैं प्रभु आज उनका जॉब प्रभु आप दिलाने वाले प्रभु, आशीष और बरकत देने वाले प्रभु आप प्रभु उनके जॉब पर प्रभु कर्म फरमाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद 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 करते प्रभु, कैरियर बनाने में उनकी सहायता और मदद करें, उन्हें वो प्रभु सामर्थ्य दे बल दे प्रभु यीशु मसीह कि जिससे वो सही चुनाव कर सके अपने जीवन के कैरियर को सही चुनाव में वो आप उनकी मदद करें प्रभु। हाँ मेरे खुदा हम प्रार्थना करते हैं भाई और बहनों के प्रभु जो आज जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनकी सुधि ले, जॉब के लिए जो प्रभु आज आपसे निवेदन कर रहे हैं खुदावन आप उनकी सुधि ले, हर प्रकार के उनके जो जॉब है उन पर बरकत हो प्रभु यीशु मसीह, जॉब के लिए आप उनके बरकत बनाए प्रभु आशीष बनाए प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं भाई और बहनों के प्रभु आज उनको चंगाई के लिए प्रभु उनके रोग उनके दर्द और पीड़ाओं को दूर करें प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई बहन आज हॉस्पिटल में प्रभु एडमिट है प्रभु आज उनको हर प्रकार से दर्द और पीड़ाओं से मुक्ति दिलाएं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आप उनको अनुग्रहित करें आशीषित करें कि जहाँ कहीं वो प्रभु अपना इलाज करवा रहे हैं प्रभु उन डॉक्टरों को आप आशीषित करें कि वो सही से इलाज करें प्रभु यीशु मसीह, और बहुत ही निराश और हताश लोग प्रभु जिनको डॉक्टर से विश्वास उठ गया खुदावन आज उन पर अपना अनुग्रह प्रकट करें, क्योंकि आपका सबसे ऊंचा नाम सबसे बड़ा नाम सबसे महान नाम सबसे बड़ा डॉक्टर आप हमारे परमेश्वर जो हर प्रकार के रोग और बीमारियों को दूर करने वाले हमें चंगाई देने वाले प्रभु यीशु मसीह आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपने उनके हर प्रकार के रोगों को हर लिया उनके दर्द और पीड़ाओं को दूर किया प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जो कैंसर से पीड़ित लोगों ने प्रभु आज प्रार्थना निवेदन किया है प्रभु आप उनकी सुधि ले, कैंसर के हर प्रकार के ट्यूमर के प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से ध्वस्त करते हैं, हर प्रकार के उनके ट्यूमर को नष्ट करते हैं और खुदावन उनके बीमारी को दूर भगाते हैं धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पैरालिसिस के लोगों को प्रभु जिनके अंगों में आज अपंगता है प्रभु आज वो अंग प्रभु हिलने डुलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपंगता को खत्म करते हैं पैरालिसिस को खत्म करते हैं और रोगी और जो भी बीमारी पैरालिसिस के कारण है वो इसी वक्त रोग को खत्म करते हैं धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हर एक भाई और बहनों प्रभु जो आज बीमार हैं ब्लड के प्रभु जो कमी है प्रभु आज उनकी ब्लड की कमी को पूरा करें प्रभु यीशु मसीह, उनका ब्लड का प्रभु सब प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जो शुगर के प्रॉब्लम है खुदावन उनकी शुगर की समस्या प्रभु ठीक करें, बीपी की समस्या को ठीक करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु हर एक बीमार लोगों के जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह हो, क्योंकि आपने खुदावन उनके लिए कोड़े खाए हैं प्रभु यीशु मसीह, आपने उनके लिए अपना लहू बहाया
गया है प्रभु, और आपके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए हैं। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। बच्चे बुजुर्ग और लोगों को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे, उनके हाड़ मांस गुदे में दर्द और पीड़ा को खत्म करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हर प्रकार के सर्दी बुखार जुकाम को प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु हर एक भाई और बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आज कमाने के लिए काम प्रभु अपना आय का स्रोत है प्रभु यीशु मसीह, उन पर आपकी बरकत हो। जो वो पैसे कमा रहे हैं प्रभु, उन पर आपका अनुग्रह हो प्रभु यीशु मसीह। आपके हाथों में सौंपते हैं कि आप उनके हर प्रकार से सहायता मदद करें, जो कोई काम काज है प्रभु आप उनको सफल करें, उनके कामों पर बरकत हो, उनको पैसे कमाने वाले प्रभु जो स्थान है उन पर उनको सुरक्षित रखे, हर प्रकार से उनको हर प्रकार घर से आने जाने में उनकी सुरक्षित रखे, आने जाने में सहायता मदद करे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, उनके धन को प्रभु आप सहायता मदद करें, अनुग्रहित करें कि हर प्रकार से उनका धन दिन दुगनी रात चौगनी करें, उनकी धन संपत्ति बढ़ता रहे प्रभु यीशु मसीह, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं जॉब सर्विस और बिजनेस करने वाले लोगों पर आपके आशीष और बरकत और अनुग्रह सदा बनी रहे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह। आपके हाथों में सबको सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी आशीष और बरकत सदा बनी रहे, हम आप में और आप हम में सदा बने रहे। आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं और सारी महिमा सारी आदर आपको देते हैं यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।